असल में हुआ कुछ नहीं, बात सिर्फ इतनी सी है, इस्लाम जितनी तेजी के साथ में पूरी दुनिया के अंदर फैल रहा है, सब घबराए हुए हैं इस्लाम की सच्चाई की वजह से, सब घबराए हुए हैं, जितने इज्जतों के लुटेरे हैं वो घबराए हुए हैं इस्लाम की पाक दामनी की वजह से, जितने भी जुल्म सितम करने वाले हैं वो घबराए हुए हैं इस्लाम के अमन अमान से कि इस्लाम पूरी दुनिया के अंदर फैल रहा है तो कैसे रोका जाए। सच्चाई के जरिए तो रोकने की ताब किसी में नहीं है, इसलिए कि इस्लाम से बड़ा सच्चा मजहब कोई है भी नहीं। लेकिन अब रोकने का उन्होंने एक गलत और गंदा रास्ता इख्तियार किया, इस्लाम पे एतराज किया जाए, इस्लाम को दहशतगर्द करार दिया जाए, पैगंबर इस्लाम को औरतों पे जुल्म करने वाला माजअल्लाह करार दिया जाए, कुरान की आयतों पे एतराज किया जाए, माजअल्लाह रब्बिल आलमीन। लेकिन दुनिया जानती है झूठ की उम्र ज्यादा दिन नहीं हुआ करती है, सच्चाई कल भी जिंदा थी और आज भी जिंदा है। 1400 साल से ज्यादा का अरसा हो गया, इस्लाम अपनी सच्चाई हक्कानियत की बुनियाद पर पूरे रोशन चेहरे के साथ में दुनिया वालों के सामने है।